हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो डिप्लोमा के बाद बिहार लीड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बिहार लीड की सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, बिहार लीड के सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, प्लस बिहार इंजीनियरिंग में बिहार कॉलेज की फ़ीस कितनी है, कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, प्लस टॉप 10 कॉलेज की रैंकिंग के साथ साथ उनके प्लेसमेंट्स के बारे में जानेंगे और बिहार लीड में आपकी कितनी सीट एबिलिटी होगी, ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम श्वेता है, मैं GCCE की स्टूडेंट हूँ, बैच 2019-2020 की। मेरी IPU रैंक थी 49, बट फिर मैंने IPU ड्रॉप कर दिया बिकॉज मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए थी। एंड आप सभी को पता है इस साल 2020 में क्या हुआ, सारे तीनों गवर्नमेंट कॉलेजेस को हटा दिया गया, तो मैंने इसलिए बिहार में एडमिशन ले लिया। सो करेंटली आई एम परसुइंग BTech फ्रॉम वन ऑफ द कॉलेजेस ऑफ बिहार इंजीनियरिंग। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जो बच्चे बिहार लीड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक हेल्प हो और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन बिहार लीड के बारे में मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार लीड है क्या। तो बिहार लीड एक लैटरल एंट्री एग्ज़ाम है बिहार गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए, जिसमें आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगी। ये BCECE के द्वारा कंडक्ट की जाती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bcecboard.bihar.government.in। आप इस साइट पर लॉगिन करके आप देख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड चाहिए होगी, और इसी साइट पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि एग्ज़ाम कब होंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, प्लस एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डिटेल्स चाहिए, एडमिशन वाउचर, प्लस एडमिशन के लिए लिंक वगैरह सब कुछ इसी साइट पे आएगी। तो ये साइट आप सेव करके रख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को पहले देखते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर सर्च में डाला है, अब यहाँ से ये जो फर्स्ट साइट है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको खोल लेते हैं। इस वेबसाइट में आपको बहुत सारे सेक्शंस मिलेंगे, यहाँ पे सारा प्रोस्पेक्टस सेक्शन है, यहाँ पे जो इस भी पार्ट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रोस्पेक्टस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ BCECLE है, ये 2020 के प्रोस्पेक्टस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो पार्ट है यहाँ पर आपको जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगी नहीं उसके बारे में आपको ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा। फिर ये थर्ड है हमारा डाउनलोड सेक्शन। इस डाउनलोड सेक्शन में आपको जितने भी एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, जो भी डाउनलोड करना होगा वो सब आएंगी। इधर साइड में ये है नोटिस बोर्ड, इसमें आपको जितने भी नोटिस आएंगे रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग जो भी आपको डॉक्यूमेंट फिल करना है, जो भी चॉइस फिलिंग होगी, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है, या फिर जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे आते हैं कि आप बिहार लीड के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ पे खोलोगे। यहाँ पे साइड में आपको एग्जामिनेशन है, इसमें BCECLE है बिहार लीड के लिए, तो आप इस पर क्लिक करने पे आपको जो पेज खुलेगा यहाँ पे बिहार लीड की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। ये 2020 का ही अभी शो कर रहा होगा बिकॉज ये अभी 2021 का कोई नोटिफिकेशन अभी कुछ नहीं आया, तो इसलिए अभी ये 2020 शो कर रहा है। तो वेट कीजिए 2021 के लिए तब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ आए और फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं और एग्ज़ाम वगैरह कैसे होंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यूजुअली तो लास्ट मई तक निकलती है और इसकी एग्ज़ाम बाय द एंड ऑफ जून तक ख़त्म हो जाती है, एंड उसके बाद फर्दर जो प्रोसीजर्स है वो कंप्लीट होते हैं। बट पिछले साल कोरोना के कारण इसकी एग्ज़ाम जो काफ़ी डिले हो गई थी, तो वो अक्टूबर के एंड तक कंप्लीट हुई थी। एंड इस साल भी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है इसके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आपको वेट करना होगा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ताकि आगे के आप इसके लिए अप्लाई कर सको एंड फॉर्म फिलअप कर सको। और इसके लिए आपको जो ऑफिशियल जो वेबसाइट अभी मैंने आपको दिखाई है उस वेबसाइट पे ही जो भी नोटिफिकेशन आना होगा वहाँ पे आएगा सबसे पहले, तो आप
आपको अगर बिहार लीड के लिए फॉर्म भरना है तो आप रेगुलरली चेक करते रहिए कि एग्ज़ाम के लिए डिटेल्स आए हैं कि नहीं आए हैं। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कैसे करना है, तो उसके लिए पहला जो स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन। तो जब भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खोलना है, वहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना है। उस ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे आपको पासवर्ड आएगी और साइन इन की इंफॉर्मेशन डिटेल्स आएंगी, आप उसको सेव करके रख लीजिए। अब हमारा सेकंड स्टेप है पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका अकाउंट का जो डिटेल्स आई है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, उससे आपको लॉगिन करना है। और आप लॉगिन करने के बाद आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहला जो डिटेल है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल फिल करनी है। इसमें आपको नारे में नाम, पेरेंट्स नेम एंड ऑल आपको बताने होगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। इसमें आपको एक फ़ोटो और आपको एक सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। स्टेप फोर में एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, आपको आपकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन डालनी होगी। अब जो बच्चे डिप्लोमा के बाद दे रहे वो अपनी डिप्लोमा की इंफॉर्मेशन डालेंगे, और जो ग्रेजुएशन के बाद अगर फिल कर रहे हैं लीव के लिए तो वो उसके लिए अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे। स्टेप फाइव है आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लीजिए सही है कि गलत है, और अगर सही है तो आप सबमिट पर क्लिक कीजिए। एंड नेक्स्ट स्टेप है आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी। फीस पेमेंट करना, फीस जो है आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर बैंक चलान के थ्रू भी कर सकते हैं ऑनलाइन। और जो फीस जो है बिहार लीड की वो 2200 रुपीज़ है, और ये सभी के लिए सेम है। तो आपको अप्लाई करने के लिए फ़ी पेमेंट 2200 करनी होगी। अब आपका स्टेप सेवन है कि आप जो फॉर्म आपको मिलेगी अप्लाई करने के बाद, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म है, इस चीज़ को आप डाउनलोड कर लीजिए और इसे अपने पास फर्दर प्रोसेस के लिए सेव कर लीजिए। ये जो दो फॉर्म है ये आपको एडमिशन प्रोसेस के टाइम पर रिक्वायर्ड होगी, प्लस आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी सेव कर लीजिए। एंड आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब आप वेट कीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का कि एग्ज़ाम कब होगा, एंड देन आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए साइट से, एंड देन आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब आते हैं एग्ज़ाम के सिलेबस पर कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे आपके लिए एग्ज़ाम में। तो सिलेबस की जब बात करते हैं तो मोस्टली जो सिलेबस है वो हमारा तीन पार्ट में डिवाइडेड है। तो तीन पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फर्स्ट है मैथ्स, सेकेंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थर्ड है इंग्लिश। अब मैथ्स में जो टॉपिक्स जो कवर्ड है वो टॉपिक्स है सॉलिड ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिसेस एंड फोरियर सीरीज। ये सारे टॉपिक्स से आपको मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर ये तीनों में से हर पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि मैथमेटिक्स से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप आईपीयू के लिए दे रहे हो फॉर्म तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि ये यहाँ पे मैथ्स और मैकेनिक्स का जो लेवल होगा आईपीयू के रिलेटेड थोड़ा टफ होगा, तो आपको मैथ्स पे ध्यान देना होगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी टफ हो सकते हैं। जब सेकेंड पार्ट है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें से भी आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो आपको जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो है, पहला तो इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या है एंड एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो है वेक्टर मेथड, थर्ड है वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस, फोर्थ है इक्विलिब्रियम, फिफ्थ है फ्रिक्शन, सिक्स्थ है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, सेवन है इम्पल्स एंड मोमेंटम, एट्थ है काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, नाइन्थ है वर्क एनर्जी एंड पावर। ये सारे टॉपिक्स जो है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से हैं, और इन सब से भी जो न्यूमेरिकल्स आने वाले वो थोड़े टफ लेवल के हो सकते हैं, तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। थर्ड जो है वो है इंग्लिश, इससे भी आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इंग्लिश जो है वो बेसिक इंग्लिश है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल एंड ग्रामेटिकल स्किल्स को टेस्ट करेगी। इसके अंदर जो टॉपिक्स कवर्ड होंगे वो है ग्रामर एंड कम्प्रहेंशन, सेकेंड है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, थर्ड है एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, फोर्थ है सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, फिफ्थ है रिपोर्ट राइटिंग, सिक्स्थ है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेस, सेवन्थ है प्रिसाइज राइटिंग, एट्थ है स्पोकन इंग्लिश। तो ये सारी जो टॉपिक्स होंगी ये कवर्ड होगी इंग्लिश में। और अगर आप नॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश में,
ये सारे पार्ट तो बेसिक है और इंग्लिश आराम से कवर की जा सकती है। मेन आपको जो ध्यान देने के लिए है वो है मैकेनिक्स एंड मैथ्स, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे थोड़े लेवल अप होंगे, तो आप उस हिसाब से अपने लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है कि जो बच्चे डिप्लोमा पास कर चुके हैं मिनिमम 45% मार्क्स और 40% इनकेस अगर कोई रिजर्व कर डिग्री से बिलोंग कर रहे हो तो उतने होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो बिहार लीड के लिए। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आप डिप्लोमा के बदले ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएससी की डिग्री है किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से और आपको मिनिमम 45+ मार्क्स चाहिए होंगे और साथ ही साथ आपको 10+2 में मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो बिहार लीड के लिए। और अगर आप ग्रेजुएशन से जा रहे हो तो इनकेस उसमें आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये सारे आपको क्लियर करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है कि आपको बिहार का होना ज़रूरी है, आपको बिहार की डोमिसाइल रिक्वायर्ड होगी। तो अब बात करते हैं फीस की। तो फीस जो है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में काफ़ी कम है क्योंकि ये सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो जो फीस है वो एडमिशन टाइम पे आपको 2500 लगेगी। ये जो फीस है 2500 ये आपको सिर्फ 4 साल में एक बार लगेगी। फिर जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस है वो जनरली 2630 रुपीज़ आपको लगेंगे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, एंड एसएससी के लिए थोड़ा कम है, वो है 2330 रुपीज़। बाकी ये फीस जो है वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। जैसे मुझे गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का पता है, उसकी फ़ीस अराउंड 4 साल की 10K से 11K तक की ही है और ये बाकी अलग कॉलेज में थोड़े बहुत वैरी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं टोटल बिहार इंजीनियरिंग में सीट्स कितनी अवेलेबल है एज डिपार्टमेंट वाइज और कॉलेज वाइज भी। तो आप सभी को पता होगा शायद कि टोटल 38 कॉलेज हैं बिहार इंजीनियरिंग में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है। और सीट अवेलेबिलिटी जो है मोस्टली हर डिपार्टमेंट में आपको 600 सीट अवेलेबल होगी हर कॉलेज में, बट कुछ कुछ में ये वैरी कर सकती है। अब बात करते हैं सीट अवेलेबिलिटी में, जैसे बीसी भागलपुर की जो है उसमें सिविल में आपको 6 सीट है, प्लस कंप्यूटर साइंस में 6 सीट है, फिर मैकेनिकल में 6 है, इलेक्ट्रिकल में 6 है और फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 सीट है। टोटल है 36 अवेलेबल। इस हिसाब से सेकेंड है जो MIT मुजफ्फरपुर कॉलेज है, उसमें भी सारे ब्रांच वाइज की सीट्स है। तो आप इस पेज की एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप टोटल सीट अवेलेबिलिटी जानने के लिए। अब जैसे अब पूरे कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है टोटल भी इधर दी हुई है साइड में। तो BC भागलपुर में टोटल 30 सीट्स अवेलेबल है, लैटरल एंट्री के मुजफ्फरपुर में 28 है, फिर मोतिहारी में 24 है, गया में 24 सीट्स है, दरभंगा में 24 सीट्स है। तो मोस्टली सारे डिपार्टमेंट्स में 24 सीट्स अवेलेबल है, सारे कॉलेज में 24 से ऊपर की सीट्स अवेलेबल है, प्लस सारे डिपार्टमेंट में 6 सीट मोस्टली अवेलेबल है, कुछ कुछ में ये वैरी कर सकते हैं। अब हमारा आता है टोटल जो सीट्स अवेलेबल है, जैसे सिविल में टोटल सीट्स जो है 264 अवेलेबल है, देन आपको कंप्यूटर साइंस में टोटल 54 सीट्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको 94 सीट्स अवेलेबल है, फिर आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल सिर्फ 4 सीट अवेलेबल है जो MIT मुजफ्फरपुर में ही है, मैकेनिकल में आपको टोटल 228 सीट्स मिल जाएंगी जो बिहार लीड के बच्चों के लिए अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल में आपको टोटल 192 सीट्स हैं जो अवेलेबल हैं, फिर है हमारा लेदर टेक्नोलॉजी में सिर्फ आपको 2 सीट्स ही अवेलेबल है जो MIT मुजफ्फरपुर में है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको टोटल 72 सीट्स हैं अवेलेबल, फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में सिर्फ 6 सीट्स अवेलेबल है जो कि भोजपुर कॉलेज में अवेलेबल है, और टोटल जो लीड के लिए सीट्स अवेलेबल है वो है 916 सीट्स हर डिपार्टमेंट को मिलाकर। ये है हमारी सीट अवेलेबिलिटी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की। आप इस पेज के स्क्रीनशॉट ले सकते हो फर्दर देखने के लिए। ये टोटल 18 कॉलेजेस का यहाँ पर दिया हुआ है, एंड इस पेज में आपको टोटल जो लास्ट के बचे हुए 38 कॉलेजेस हैं तो उसके बारे में दिया हुआ है, तो आप ये अच्छे से देख सकते हो सीट अवेलेबिलिटी यहाँ पर दी हुई है।
अब देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी वो है मार्कशीट, आपको 6 सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए होगी प्लस लास्ट सेमेस्टर की एडमिट कार्ड चाहिए होगी। फिर अगर आप इनकेस अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हो तो उस केस में आप एडमिट कार्ड दे सकते हो और आप मेंशन कर सकते हो कि आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है 10th की मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड, जो कि आपके एज के लिए प्रूफ के लिए लिया जाएगा। थर्ड चीज़ है कास्ट सर्टिफिकेट, 4th से आपको इनकम सर्टिफिकेट अगर देना होगा, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपको लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको डिप्लोमा से आपको मिलेगा। फिर है हमारा फोटोग्राफ, आपको फोटोग्राफ देनी होगी। नेक्स्ट चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है सर्टिफिकेट फॉर द नेटिव ऑफ बिहार, मतलब आपको बिहार की डोमिसाइल देनी होगी। और इससे ये कंफर्म है होता है कि आप बिहार लेट के लिए तभी एलिजिबल हो जब आप बिहार के रेसिडेंट होंगे। अगर आपके पेरेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो बिहार में काम कर रहे तो इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर बिहार लेट। अदरवाइज अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए बिहार लेट नहीं है, यहाँ पे अदर स्टेट्स के बच्चे अलाउड नहीं है बिहार लिट में, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये एक डिसएडवांटेज होगा अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट चीज़ है अगर आप डिसेबल्ड कोटा से हो तो आप उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म है वो आप सबमिट कर सकते हो, वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। प्लस अगर आप कोई भी अलग से कोई कोटा अगर आप रिजर्व कर रहे हो तो उस केस में भी आपको डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करनी होगी। तो अब बात करते हैं हम लोग टॉप 10 बिहार के गवर्नमेंट कॉलेजेस की। वैसे तो आपको टोटल 38 कॉलेजेस अवेलेबल हैं, बट हम लोग अभी इस वीडियो में सिर्फ टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉलेज है वो है भागलपुर, PCE भागलपुर, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर। इसका जो कॉलेज कैंपस है वो टोटल 167 एकर्स में है। यहाँ की जो एवरेज प्लेसमेंट्स है, एवरेज पैकेजेस है, वो 3 to 6 lakh है पर ईयर। जो टॉप कंपनीज विजिट करती है वो है विप्रो, TCS और भी अलग कंपनीज हैं। यहाँ पे जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 10% स्टूडेंट्स का ही है। और यहाँ पे जो 2018-2019 की जो बैच है उसमें से 3 to 5% बच्चों की जो इंटर्नशिप है वो इसरो, DRDO और BARC में भी लगी है। तो ये जो कॉलेज है वो बिहार गवर्नमेंट की सबसे टॉप कॉलेज पे आती है, यहाँ की पढ़ाई काफ़ी अच्छी है। और ये अगर आपको ये कॉलेज अगर आपको काउंसलिंग के टाइम पे मिलता है तो आप बेझिझक ले लीजिए, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है बिहार इंजीनियरिंग में। अब सेकेंड नंबर पर जो कॉलेज आता है वो है हमारा MIT मुजफ्फरपुर। ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज का जो कैंपस है वो 87 एकर्स में है। और अगर बात करा जाए यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज की तो ऑलमोस्ट 20% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो प्लेस हो जाते हैं। यहाँ की एवरेज पैकेज जो है वो 3 to 5.2 lakh पर ईयर है। अब जो थर्ड नंबर पे जो कॉलेज है वो है जी सी गया जो कॉलेज है उसकी जो कैंपस एरिया है वो है 87 एकर्स। इसमें भी जो परसेंटेज जो है प्लेसमेंट की स्टूडेंट्स की वो 10% है। इसकी एवरेज पैकेज भी 3 to 5 lakh है पर ईयर। वैसे भी आपको बिहार इंजीनियरिंग में ज़्यादा प्लेसमेंट कमी होती है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी ठीक ठाक प्लेसमेंट हैं। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे कॉलेज की, वो है MCE मोतिहारी। ये जो कॉलेज है वो इस्टेब्लिश 1980 में हुई थी, उसके बाद 1986 में बिहार गवर्नमेंट के अंदर आने लगी। इसका जो एवरेज पैकेज है वो 2 to 3 lakh पर ईयर जाती है और इसकी जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो 20% है। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है DCE दरभंगा। ये जो कॉलेज है इसकी जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 3 to 5 lakh पर एनम जाती है, बट इसकी जो पिछले साल की जो हाईएस्ट पैकेज थी वो 15 lakh पर ईयर की गई थी, जो 2017-2021 की बैच से गई है और सिस्को में की प्लेसमेंट हुई है। तो ये अब तक की जो हाईएस्ट पैकेज है दरभंगा से। नेक्स्ट जो है वो कॉलेज है NCE नालंदा, ये चंडीप में सिचुएटेड है। इसकी जो एवरेज पैकेज है वो 2.5 से 3.7 lakh पर ईयर तक की है। तो आप
खुद ही देख रहे हो कि ठीक ठाक प्लेसमेंट है, कुछ ज़्यादा भी हाई फाई प्लेसमेंट नहीं है बिहार जन में, बट स्टिल अगर आप प्रेफर कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना तो इट्स अ गुड डील कि आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट है BCE बख्तियारपुर, ये अभी नया गवर्नमेंट कॉलेज है बिहार इंजीनियरिंग में। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है वो 2016-17 में हुई है। तो ये जो कॉलेज है इसकी जो अभी न्यू बिल्डिंग रिसेंट में मिली है फरवरी 2020 में मिली है। इससे पहले इसकी जो क्लासेस थी वो IIT पटना के कैंपस में चलती थी, बट अभी इसकी न्यू बिल्डिंग मिल चुकी है। तो अभी ये जो कॉलेज है वो काफ़ी न्यूली इस्टेब्लिश्ड है, तो करंट अभी इसके लिए कोई प्लेसमेंट डिटेल्स है नहीं क्योंकि बैच 2016 से स्टार्ट है एंड 2020 में फिर कोरोना एंड ऑल के जो सीन है उस कारण से प्लेसमेंट्स का कुछ रिकॉर्ड नहीं है अभी। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है LNJPIT छपरा। इस ये जो कॉलेज है वो छपरा में है। यहाँ जो टॉप कंपनीज जो विजिट करती है वो है अंबुजा, HCL और भी कंपनीज हैं। यहाँ पे जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो 10% स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं। यहाँ की जो एवरेज पैकेज है वो भी लगभग 4-6 लाख पर ईयर के आसपास है। फिर हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है 9th नंबर सीतामढ़ी, SIT सीतामढ़ी। ये जो कॉलेज है इसकी ज़्यादा कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स नहीं है, बट एवरेज पैकेज जो है वो है 2-3.5 लाख के अराउंड है। तो ये इसकी जो प्लेसमेंट वो कुछ खास भी नहीं है, ठीक ठाक है। फिर जो नेक्स्ट है वो है 10th नंबर पे जो कॉलेज आती है वो BP मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वजीपुर है। ये भी 2016 में इस्टेब्लिश हुई है और ये भी नई गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इस कारण से इसकी भी कोई प्लेसमेंट डिटेल्स नहीं है। तो ये जो टोटल जो है टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में डिस्कस की गई है। इन टॉप 10 कॉलेज में अगर आपको MIT और भागलपुर मिल रहा है तो आप प्लीज़ उसके लिए जाएं, क्योंकि वो दो कॉलेज यहाँ के बेस्ट कॉलेजेस हैं। और अगर आपको वो दो कॉलेज मिल रहे हैं तो आप उसे मत छोड़िए, मेरा सजेशन यही होगा। और आपके और आप तो बाकी जो टॉप 10 कॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, आप वहाँ पर प्रेफर कर सकते हो एडमिशन लेना। और अगर आप कोई भी क्यूरी हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड या बिहार लीड से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, वी विल ट्राई कि आपको रिप्लाई ज़रूर दें और आपकी जो भी क्वेरीज है वो तुरंत सॉल्व करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस बिहार लीड के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो। थैंक यू।